इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और बहनों को परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग की तरफ से सादर प्रणाम। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, आज हम आपको सचेत करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप भी सावधान हो जाए अगर आप चार धाम प्लानिंग कर रहे हैं किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू। तो दोस्तों, आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, ट्रैवल एजेंटों द्वारा बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि वो आपको चार धाम यात्रा करवा देंगे और बाद में जब आप चार धाम यात्रा के लिए आते हैं तो उनके पास ई पासेस नहीं होते हैं, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों चीजें ही वेस्ट होता है। ऐसी ही एक सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आगे वीडियो में। कल एक जो और अपनी जो है आप बीती हमारे साथ शेयर की है वो मैं आपको सुना रहा हूँ इस वीडियो में, आगे सुनिए आप। हम अपने गुजरात में जाकर सब लोग पकड़ने वाले ही है। हाँ, तो उसको पकड़िए ना, उसको बोलिए ना, उसको फोन करिए ना, अभी यहीं से फोन करिए कि हमने फोन किया, सबने फोन किया, यात्रियों ने उसके साथ बात भी की, झगड़ा भी किया है। हाँ, लेकिन वो उसका ड्राइवर बोल रहा है कि अभी थोड़ा देर धरो, अगर हो जाएगा तो केदारनाथ हम आपको करवा देंगे, बाद में चलेंगे गुजरात, उससे पहले नहीं जाएंगे। ऐसी बात की है, जो नहीं हुआ तो हम उसके डायरेक्ट उसके घर के ही घर पर ही जाएंगे, उसके गाँव है ना। उसको तो आपको जब वो लाया था ना तो उसको ई पास आपको पहले लेना चाहिए था उससे। हाँ, लेकिन उससे क्या था कि मिल जाएंगी ऐसे जासा में वो रह गए है। अब वो गलती हो जाता ना, हम लोग पहले सोचते हैं कि हो जाएगा करके। अब यही है कि देखिए, अब मंडे, क्योंकि आज आना था कोर्ट का फैसला, आज आया नहीं है, अब आएगा मंडे को। मंडे को बेंच बैठ गई कोर्ट की तो फिर जजमेंट आ जाएगा, तो फिर उसके बाद मंडे को तो नहीं करवा पाएगा वो भी उत्तरकाशी। वो आप आज आज आपने गंगोत्री किया ना, आज गंगोत्री किया, कल हम जाएंगे जन्मोत्री करने के लिए, तो 2 दिन तो हमको वहाँ लग जाएगा ना। तो रूट ही उल्टा लिया है, केदारनाथ का नहीं हो रहा। केदारनाथ का बहुत मुश्किल है उसके पास होना, जब तक वो अब वेट करेगा कि जब तक यात्रा खुल ना जाए तब तक वो वेट कराएगा। अब बद्रीनाथ का है उसके पास पास आपका? हाँ, बद्रीनाथ हमारा हो गया, पहले बद्रीनाथ हमको करवा दिया, बाद में आज गंगोत्री करवाई, अब कल जन्मोत्री करवाएगा। अच्छा, केदारनाथ फिर लास्ट में ले जाएगा। चले कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हम निकले हैं तो वेट कीजिए और क्या। हाँ, वेट करते हैं, अगर नहीं हुआ तो उसके घर ही जाना है, सभी 40 लोग तो हमें यात्री लोग तो सब उसके घर पे ही जाएंगे ना, पुलिस केस कर देगी सब। वो गलत किया उसने ना, आपको चीट कर दिया। चले कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। वो नया तो है लेकिन हम लोग नहीं है, वो तो पुराना का 20 साल से वो काम कर रहा है यात्रियों का। हाँ, वो गलत किया उसने, ये चीज गलत किया है। चलिए, आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप जो हो गया तो हो गया, पुलिस वालों ने हमको चेक पोस्ट थी वहाँ से वापिस किया है, जहाँ 45 किलोमीटर दूर था हमसे केदारनाथ। तो आपको गुप्तकाशी से? गुप्तकाशी तो हमारी जो सीतामढ़ी है ना, वहाँ तक हमारी एंट्री थी लेकिन पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया हमें। आपको सीतापुर जाना था, आप पारकुंड हाँ कुंड पार किया था लेकिन हमारी एंट्री अंदर तब थी, सीतापुर गांव है ना अंदर। हाँ, सीतापुर तो आगे है। हाँ, तो सीतापुर तक ही हमारी एंट्री थी और होटल भी बुक हो गई थी लेकिन वहाँ तक हमें जाने नहीं दिया कि बोला तो अगर हम वहाँ तक जाने मतलब देंगे तो आपको गुप्तकाशी से वापस किया है फिर उन्होंने, इसका मतलब है। अच्छा, तो उसने बोला कि अगर हमने आपको सीतापुर जाने दिया तो आप लोग केदारनाथ चले जाएंगे, ऐसा बोल दिया पुलिस वालों ने। बहुत उसने रिक्वेस्ट में सब जगह करते थे लेकिन कोई मान नहीं रहा था। हमको तो सिर्फ उसने चार धाम का टेम्पलेट भेजा था और जब हमें पता चला, यहाँ हम श्रीनगर में रुके थे 2 दिन रुके वहाँ पे। हाँ, देखो बताओ, तो 2 दिन वहाँ पता चला हमें कि इसमें उसको एंट्री दो धाम की मिली है। और यमुनोत्री हमने जब ऑनलाइन बुक करवाई बाद में वो ऑनलाइन खुला ही नहीं, बंद हो गया था। हाँ, वो उसने किया होगा ना, ये तो उसने करवाया होगा आपका ऑनलाइन ई पास वगैरह सब उसी ने करवाया होगा। वो तो सब कुछ नहीं किया हमने, तो सिर्फ पैसा ही भरे है। हाँ, आपने पैसा भरा है। अब उसने आपने जब क्या लिखा था, जब आप चले थे क्या लिखा था, वो तो उसे ही पता होता है ना किसने धाम के लिखवाया। बिल्कुल बिल्कुल, उसको पता था शुरू से ही। हमें 12 दिन हुआ आज, हम 21 तारीख को निकले, 21 तारीख को घर से निकले हैं। बताइए, 12 दिन में तो चार धाम करके आप घर पे भी पहुंच जाते हैं आराम से, आज तक तो घर पे पहुंच जाते हैं लेकिन इस लोगों ने हमें फंसा दिया बुरी तरह से। तो दोस्तों, आपने ये ऑडियो सुना, आपको अंदाजा हो गया होगा किस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है चार धाम यात्रा के नाम पे। तो आपको भी सचेत रहना है क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं जो हैं पास्ट में हो चुकी हैं, क्योंकि आप जानते हैं चार धाम यात्रा आज की डेट में बिना ई पास के करना मुश्किल है। जो देवस्थानम बोर्ड का यात्रा ई पास है उसके बिना आप चार धाम यात्रा नहीं कर सकते हैं। पर बहुत सारे ट्रेवल एजेंट ऐसे हैं कि आपको कहेंगे कि आपको बिना ई पास के ऑफलाइन वो करवा देंगे या फिर वो अरेंज कर देंगे। आपको इससे सावधान रहना है और इस तरह के फ्रॉड से बचना है। तो आप अपना कीमती पैसा और समय जो है बर्बाद ना करें, जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के चार धाम यात्रा ट्रैवल एजेंट से सावधान रहें, सचेत रहें।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।